जनपद मथुरा में सफाई कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को हड़ताल कर सफाई कार्य का बहिष्कार किया है। मथुरा के भरतपुर के चौराहे पर एकत्र होकर सफाई कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की और नगर निगम के विरुद्ध नारेबाजी कर अपना गुस्सा जाहिर किया। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि जब तक नगर निगम द्वारा हमारी 11 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक संविदा सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में 30 दिन का वेतन दिया जाता है, लेकिन मथुरा में नगर निगम द्वारा 26 दिन का वेतन दिया जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि मेरठ नगर निगम द्वारा सफाई कर्मचारियों को 12,500 रुपये वेतन दिया जा रहा है, लेकिन मथुरा में ऐसा नहीं दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? 2008 से लेकर 2016 तक का सफाई कर्मचारियों को एरिया भी नहीं दिया गया है। वहीं सफाई कर्मचारियों को 2018 के बाद यूनिफॉर्म भी नहीं दी गई है। वहीं अधिकारियों पर आरोप लगाया कि जो बैकलॉग कर्मचारी हैं, उनसे विभाग साफ सफाई का काम न कराकर पार्षदों द्वारा अपना निजी कार्य कराया जाता है, सफाई काम नहीं किया कराया जाता। इसी तरह की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज हमारे द्वारा हड़ताल की गई है और यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक नगर निगम द्वारा सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता है। मथुरा ब्यूरो चीफ टाइम्स की खास रिपोर्ट। कामरेड उत्तम चंद सहजना मेरा नाम है। उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ का मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ और मैं आपको ये बता दूं कि 18/12/2021 को हमारा 11 सूत्रीय मांग पत्र लगा था, जिस पर इन्होंने 3 जनवरी को नगर आयुक्त महोदय ने और 7 जनवरी को महापौर और नगर निगम प्रशासनिक अधिकारियों ने वार्ता की, लेकिन एक भी बिंदु का जब पालन नहीं किया तो हमने इनको इनके जो निस्तारण पत्र था उस पर हमने आपत्ति पत्र जारी किया, उसका भी इन्होंने निस्तारण नहीं किया। उसके बाद इन्हें अनुस्मारक दिया गया, उसका भी इन्होंने निस्तारण नहीं किया। तो मजबूर होकर संगठन ने जो है एक मांग पत्र 5 सूत्रीय संशोधित प्रेषित कर दिया, जो दिनांक 8/5/2022 को जारी किया गया। उसके बाद 72 घंटे की चेतावनी दी गई और 72 घंटे की चेतावनी के बाद इन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए जो है पत्र का निराकरण कर दिया, जिसमें कोई वार्ता आयोजित नहीं की। हमने उस पत्र का भी जवाब दिया, लेकिन इन्होंने हमारी बात को नज़रअंदाज किया। इनको सोमवार को भी हमने 24 घंटे का अंतिम चेतावनी पत्र दिया कि आप कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करें। जब इन्होंने ये ऐसा नहीं किया तो कल दिनांक 23/5/2022 को आम सभा में समस्त कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल पर जाने का निर्णय ले लिया और उस सब लिखा पढ़ी से, उस सब वारदात से हमने अपने नगर निगम के उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया और सुबह से आज काम बंद हड़ताल हो गई है। और ये हड़ताल जब तक रहेगी जब तक कर्मचारियों की जायज मांगों को नहीं मान लिया जाता। अभी मैं आपको बता दूं कि कल इन्होंने जब हड़ताल की घोषणा हो गई तो हमारे पास 11 बजे का वार्ता का पत्र भेजा और वार्ता के पत्र से पहले हमारी हड़ताल की घोषणा हो गई थी, इसलिए हड़ताल कर्मचारियों ने कर दी। वार्ता 11 बजे आयोजित हो जाए उससे पहले इन्होंने एक पत्र जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, इसका मतलब ये है कि इन्होंने एक तरीके का सोकास नोटिस मेरे लिए दिया है और ये मुझे टर्मिनेट करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं आपकी मीडिया के माध्यम से कि वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी नेतृत्व इतना कमजोर नहीं है कि इनके ऐसे गीदड़ भभकियों से डर जाए। अगर ये टर्मिनेट करना चाहते हैं तो मुझे टर्मिनेट होने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं होगा ये आंदोलन जारी रहेगा।